नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर रामपाल के आश्रम की ओर से एक पुस्तक लिखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम। उसमें पहला प्रश्न उठाया, 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष का पुरुष का विवाह कराना सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में 71 पेज नंबर पर लिखा है, यह बात कही गई है। अब इन लोगों की जहाँ पर बुद्धि समाप्त हो जाती है, ये अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इस परमात्मा की बुद्धि को जहाँ पर जंग लग जाता है, वहाँ पर महान विद्वान तार्किक ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बुद्धि प्रारंभ होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं पहले स्त्री के ऊपर बता देता हूँ, स्त्री के शरीर का पूरा विज्ञान क्या है, ईश्वर प्रदत्त पूरी की पूरी बायोलॉजी क्या है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 16 वर्ष क्यों कही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े दूरदृष्टा थे, पहले उनको जानने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने 16 वर्ष ही क्यों बताया। 16 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की कन्या विवाह करे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की दृष्टि बहुत बड़ी थी, उच्च तार्किक विद्वान थे। पहले आप मासिक धर्म को यानी मेंस पीरियड क्या होता है वो समझ लीजिए, रज अवस्था कहते हैं, महावारी, 10 से लेकर के 13 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। लगभग सामान्य तौर पर 13 वर्ष से 14 वर्ष तक चलता है, 13 वर्ष की आयु में मेंस पीरियड प्रारंभ हो जाता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि 36 बार मासिक धर्म आने के पश्चात विवाह करें, यानी कि 3 साल बाद, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 साल हो जाता है। और ये 10 साल किनके लिए हैं, 11 साल 10 साल 12 साल में उन लड़कियों के आता है जो लड़कियां गर्म जलवायु के अंतर्गत रहती हैं, गर्म दवाइयां खाती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खाती हैं, उनके मासिक पीरियड जल्दी आ सकता है, बॉडी के हार्मोन्स का हल्का फुल्का प्रभाव पड़ सकता है। पर सामान्य तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लगभग 13 वर्ष की आयु में ही मासिक धर्म आता है। अब देखिए, वह अंडा अंडवाहिनी नली यानी फिलोपियन ट्यूब के द्वारा नीचे जाता है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है, उसका स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उस स्तर में विकसित हो सके। यदि उस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो वह स्राव बन जाता है, जो कि योनि के द्वारा निष्कासित हो जाता है, यानी वजाइना से निकल जाता है। इसी स्राव को मेंसी पीरियड कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। यह मासिक धर्म 13 साल की सामान्यतः उम्र में आता है, 3 साल में पूरी की पूरी योनि परिपक्व हो जाती है, उसके अंडे निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं, वह बच्चे को जनने के लिए तैयार हो जाती हैं, वह अपने शरीर में ऐसा नहीं लगे कि मरने की स्थिति हो, वो नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि 16 वर्ष की कम आयु में कभी भी स्त्री गर्भाधान नहीं करें, यह प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। पहले आजकल सरकारी कानून के हिसाब से 18 वर्ष जो मान रहे कि स्त्री का विवाह 18 वर्ष में करें, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट भी 18 वर्ष से ही प्रारंभ करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट का ये वीडियो देखिए, इंदिरा IVF की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। आज मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, यानी गर्भ अवस्था धारण करने की सही उम्र क्या है। तो 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र, यानी किसी महिला के लेट 20s एंड अर्ली 30s का जो टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए।
इसका कारण यह है कि इस एज में महिलाओं के एग के क्वालिटी यानी उनकी गुणवत्ता और उनका नंबर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है, जिसके कारण जब वो प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हैं तो प्रेगनेंसी होने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि एग की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए एम्ब्रियोस की क्वालिटी अच्छी होने के चलते उनमें अबॉर्शन का रिस्क काफ़ी कम होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क काफ़ी कम होता है। तो बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट इज 18 to 25, यानी कि लेट 20s एंड अर्ली 30s। थैंक यू। डॉक्टर वर्षा जी का प्रमाण दे दिया है। अब मैं, डॉक्टर वर्षा जी कह रहे हैं कि जो स्त्री है उसकी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष में फर्टिलिटी पावर बहुत तेज होती है, यानी कि गर्भधारण की क्षमता अत्यधिक तेज होती है। मैं आपके सामने आधुनिक मेडिकल साइंस के कुछ सूचकांक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सूचकांक आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें लिखा है 20 से लेकर के 24 वर्ष पर्यंत 86% फर्टिलिटी पावर रहती है, 24 के बाद वो फर्टिलिटी पावर घटने लग जाती है, वो घट करके 78% पर आ जाती हैं 25 से लेकर 29 वर्ष पर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि 16 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष पर्यंत तक कन्या विवाह करे, जिसमें 24 वर्ष की कन्या का विवाह उत्तम बताया है। उत्तम क्यों बताया है? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत तेज होती है। जब फर्टिलिटी पावर अत्यधिक तेज होती है तो उससे जो संतान पैदा होगी वो उत्तम होगी। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जननी जने तू एड़ा जन सुन दाता के सूर, नीतर रीजे बाजड़ी रे मती गमाजे नूर। यहाँ पे तो सूरमा पैदा करने की परंपरा रही है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, विक्रमादित्य, राजा भोज और बड़े बड़े वीर सूरमा पैदा करने की परंपरा है। और विवाह क्यों किया जाता है? उत्तम संतान पैदा करने के लिए। और जितनी उत्तम संतान होगी उतना ही इस राष्ट्र की उन्नति प्रतिदिन होती रहेगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसीलिए कहा है 24 वर्ष पर्यंत विवाह करेगी तो उसकी फर्टिलिटी पावर अत्यधिक तेज होगी, अत्यधिक तेज होगी तो सूरमा पैदा होंगे। और इन मूर्ख पाखंडियों को कुछ पता नहीं है। मैं स्त्री के बारे में बता रहा हूँ, स्त्री की बायोलॉजी क्या है, पूरा का पूरा विज्ञान क्या है। अब आप सोचो 24 वर्ष की कन्या अगर विवाह करेगी तो फिर उसको एक बच्चा पैदा करने में टाइम लगेगा, फिर डेढ़ डेढ़ साल का भी गैप मान लिया जाए लगभग, तो वो 29 वर्ष तक आएगी, 3-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर वो 29 वर्ष की उम्र में शादी करेगी उसकी फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी तो फिर आप जानते हो गर्भधारण कौन करेगा? फिर नियोग करेंगे तो तुम पाखंडी लोग कहोगे कि नियोग कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो आपातकालीन इमरजेंसी व्यवस्था। मैं नियोग पे भी आऊँगा और ये जो सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम है, इस पूरी पुस्तक के सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपके सामने एक और सूचकांक प्रस्तुत है, ए वुमन्स फर्टिलिटी बाय एज। इसमें लिखा है 20 से लेकर के 25 में जो फर्टिलिटी पावर होती है वो 85% होती है, फिर घटती 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 30 की एज तक 75% रह जाती है, फिर बाद में घट देती जाती है। तो इसीलिए कन्या की सर्वोत्तम उम्र 16 से लेकर के 24 वर्ष तक कन्या विवाह करें, इसके बाद में फर्टिलिटी पावर नहीं रहेगी, बच्चा नहीं होगा तो फिर इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आपके सामने एक और प्रमाण रखने जाता हूं मैं। सुश्रुत जी महाराज कहते हैं कि 16 वर्ष से पहले गर्भाधान संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? बाद का तो बता दिया कि 24, 25, 26 के बाद फर्टिलिटी पावर घट जाएगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर 16 वर्ष से पहले गर्भाधान क्यों नहीं करना चाहिए? इसका सुश्रुत जी महाराज शारीर स्थान के अंदर, सुश्रुत जी जानते हो ना, सर्जरी के पहले जनक कहे जाते हैं। गूगल पर सर्च कर लो फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के धर्ता कर्ता। शारीरिक स्थान में कहते हैं गर्भाधान की उपयुक्त आयु यदि पुरुष की आयु 25 वर्ष की न हो और स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की हो तो इनमें हुआ गर्भ गर्भाशय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि जीवित जन्म लेता है तो अधिक समय तक नहीं रहता, यदि जीवित रहता है तो उसकी इंद्रियां दुर्बल हो जाती है। अतः 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री में गर्भाधान न कराएं। गर्भाधान के अयोग्य स्त्रियाँ, बड़ी उम्र की अति वृद्धा स्त्री में तथा लंबी बीमारी से पीड़ित या अन्य किसी रोग से ग्रस्त में गर्भाधान न करें। इसी तरह के पुरुष के द्वारा भी गर्भाधान नहीं होना चाहिए। गर्भाधान के लिए ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज की तरह गर्भाधान की ऋतु क्षेत्र रूपा नारी का उत्तम स्वास्थ्य, गर्भाधान से लेकर प्रसव तक बल्ली प्रकार की देखभाल तथा क्षेत्र बीज की तरह पुंबित का उत्तम होना, उत्तम कोटे का होना आवश्यक है। अब सुश्रुत जी महाराज को आधुनिक मेडिकल सर्जरी के जितने भी विद्वान हैं प्रमाण मानते हैं,
बहुत बड़े ज्ञाता मानते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब मानते हैं सुश्रुत जी को, वो तो ऋषि महर्षि थे ना। अब तुम सुश्रुत जी को भी नहीं मानोगे क्या? और ये जो ऋषि दयानंद जी ने प्रमाण दिए, ये मनुस्मृति से प्रमाण दिए हैं। और मैं अगली वीडियो में पुरुषों के ऊपर भी बात करूंगा, पहले महिलाओं के विज्ञान को समझ लो कि महिला की बायोलॉजी क्या, महिला शब्द भी गलत है, बाद में बात करेंगे, स्त्री की जो बायोलॉजी क्या है वो समझ लो पहले आप। अब मैं आपके सामने एक और प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सूचकांक है। अभी ये जो फर्टिलिटी पावर और ये मैं बात कर रहा था कि 18 साल से, तो अब ऋषि दयानंद जी ने 16 क्यों लिखा? देखो मेरी बात सुनो, आजकल के जो कानून के हिसाब से 18 वर्ष की उम्र में विवाह करने का विधान था। आजकल के कुछ नेता कह रहे हैं कि 21 वर्ष कर दिया जाएगा इस उम्र को। अब आपको पता है, आपके सामने एक डेटा प्रस्तुत है, ये सेंसस प्रस्तुत है आपके सामने, पॉपुलेशंस 1000 के ऊपर है और ये यूनाइटेड स्टेट का है, 2021 का सूचकांक है। अब इसमें देखो आप, 1000 में से 0.4 15 साल की उम्र के अंदर अबॉर्शन करवाती हैं, 15 साल की उम्र में 1.1 1000 में से 1.1% अबॉर्शन होते हैं, 16 साल की उम्र में 2.2 अबॉर्शन होते हैं, 17 साल की उम्र में 3.8 अबॉर्शन होते हैं और 18 साल की उम्र में 8.3 अबॉर्शन होते हैं। ये बढ़ता 19 पे ज़्यादा जाएगा, फिर 20 पे ज़्यादा जाएगा, फिर 21 पे ज़्यादा जाएगा और आज की जो सरकार 21 साल स्त्री की उम्र कर देगी कि 21 साल में उम्र करना चाहिए, तो फिर अबॉर्शन कितने बढ़ेंगे? ये यूनाइटेड स्टेट का प्रमाण तो मैंने आपको दे दिया है, ऐसा ही पूरी दुनिया में अबॉर्शन हो रहे हैं, यानी कि गर्भपात हो रहे हैं। अब ऐसे गर्भपात होंगे तो इस देश का कितना बंटाधार होगा, कितना पाप होगा, कितना सर्वनाश होगा। तो इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने कहा कि अगर कोई गर्भाधान करना भी चाहे तो वो 16 वर्ष की उम्र में कर ले, 16 से पहले नहीं करना, फिर और बाद में जो 16 से के लगभग करेगी ना वो निकृष्ट है, मतलब नहीं करना है, कोशिश तो नहीं करना है, ऐसा मतलब बिल्कुल मना नहीं किया, विवाह कर रही है। कोई कहते हैं मैं नहीं रह सकती, मैं संभोग के बिना नहीं रह सकती, मेरी इच्छा है, मैं संभोग करवाना चाहती हूँ, मेरे को संतान चाहिए, या मेरी उत्तेजना है, मेरी कुछ कामनाएं हैं, मेरा कुछ भोग है। अगर कोई की इच्छा है, किसी के हार्मोन्स नहीं रुके जा रहे हैं तो कर रही है, तो क्या समस्या है तुम लोगों को? तो ऋषि ने कहा कि ये निकृष्ट है, मतलब ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर किसी को होमवर्क देते हैं तो वो कहते हैं ना कि ठीक, गुड और वेरी गुड, उसी प्रकार जैसे कोई टाकीज में फिल्म देखने जाता है तो पीछे की जो अंतिम ही अंतिम होते हैं उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसे उत्तम शीट कहा जाता है, बीच वाले को मध्यम शीट कहा जाता है और नीचे वाले को निकृष्ट शीट कहा जाता है। निकृष्ट पे जो बैठता है उसको नहीं देखने के लिए नहीं होता, वो देखने के लिए ही होता। और 16 वर्ष के बाद विवाह कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से मन नहीं है, सरकार तो कल 21 करने जा रहे हैं तो आप 21 पे देख लो फिर आपके गर्भपात कितने बढ़ेंगे, आप गर्भपात आप खुद ही देख लो। और आप कहोगे कि सरकार जो कहेगी वही करेंगे, तो सरकार तो कभी भी गलतियां भी तो करती है ना, जैसे गाय को काटने पर भी बहुत सारी सरकारें हैं वो सब्सिडी देती हैं और गाय के बचाने वालों को सब्सिडी नहीं देती है गौशालाओं वालों को। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बुद्धि का पार तुम लोगों से नहीं पाया जाएगा। अब ये एक दैनिक भास्कर की न्यूज है, दुनिया में हर साल 12.1 करोड़ अनचाही प्रेगनेंसी, 7.3 करोड़ अबॉर्शन हर साल हुए पूरी दुनिया में 2015 से 2019 के बीच, 1.66 करोड़ अबॉर्शन हर साल हुए भारत में 2015 से 2019 के बीच, 8 भारतीय महिलाएं रोज अबॉर्शन की तरह अबॉर्शन की वजह से जान गंवाती हैं। अभी अबॉर्शन की वजह से जान क्यों गंवाती है? आपको पता है 25 साल से पहले जो व्यक्ति संभोग करता है, गर्भाधान करता है, तो उसके क्या वीर्य परिपक्व ही नहीं होता, फिर वो बच्चा कंप्लीट नहीं होता, फिर अबॉर्शन करवाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा वीर्य परिपक्व होने की जो उम्र है वो 25 से है। तो पुरुष के लिए विवाह की सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट उम्र है वो, जितना उत्तरोत्तर होता जाएगा वो बाद में बात करूंगा, पर 25 से कम में तो विवाह करना ही नहीं चाहिए पुरुष को, क्योंकि वीर्य कंप्लीट नहीं होगा, वीर्य कंप्लीट नहीं होगा तो फिर अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अब देखो 59% अनमेरिड महिलाएं, 30 दूसरी अनमेरिड मतलब जिसने शादी नहीं की है। अब आपको पता है जिसने शादी नहीं की है उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी तो हैं, फिर ये समाज के सरकार के चक्कर में फिर वो शादी नहीं कर पाती कि 21 वर्ष सरकार कर देगी, फिर वो अबॉर्शन करवाना पड़ता है, उनके भी इसमें सेक्स हो जाता है। तो अब देखो 9% कॉलेज में जाने वाली लड़कियां अबॉर्शन करवाती हैं। कॉलेज में कौन सी लड़कियां जाती हैं? 17, 18, 19, 20,
इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है 16 से लेकर के 24 वर्ष पर्यंत विवाह करने की उम्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बुद्धि का पार रामपाल से नहीं पाया जाएगा। ये पाखंडी धूर्त लोग कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश सत्यानाश प्रकाश है। सत्यानाश प्रकाश नहीं, सत्यार्थ प्रकाश वैज्ञानिक पुस्तक है। और मैं तो कहता हूँ कि इस वैज्ञानिक पुस्तक को, इस बायोलॉजी की पुस्तक को, इस भूविज्ञान की पुस्तक को, इस इतिहास की पुस्तक को, इस मेडिकल साइंस की सबसे अच्छी पुस्तक को सभी के पाठ्यक्रम में लागू कर देना चाहिए। और आप जो कहते हो ना कि पुरुष का विवाह 48 वर्ष में होगा, 48 वर्ष में, वो भी हम आएंगे अगले वीडियो में बनाएंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, धन्यवाद जी।